चाहे जितनी पाबंदियां लगा दी जाए, कितने कानून बना दिए जाए, मगर कुछ लोग ये बंदिशें कानून लागू नहीं होते। ऐसा ही एक मामला आया है धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड के लोकबाद गांव के रहने वाले अब्दुल खालिक की पुत्री अफसाना खातून के साथ सद्दाम अंसारी की शादी के अभी एक साल भी पूरे नहीं हुए थे कि उसके पति सद्दाम, जो कि निरसा थाना क्षेत्र में रहता है, उसने व्हाट्सएप पर उसे 3 तलाक दे दिया। जानकारी के अनुसार अफसाना की शादी पिछले साल 9 अगस्त 2020 को बड़े ही धूमधाम से की गई। लड़के वालों की हर मांगों को पूरा किया गया। जमीन और तालाब बेचकर लड़की के पिता ने दान दहेज दिया, लेकिन शादी के बाद से ही लड़के वालों ने अफसाना के साथ मारपीट शुरू कर दी। दहेज में 3 लाख रुपए और लाने को बोलकर रोजाना मारपीट किया जाने लगा। कुछ दिन पहले अफसाना अपने मायके आई तो अफसाना के शौहर ने व्हाट्सएप पर 3 तलाक लिखकर भेज दिया, जबकि अफसाना 6 माह की गर्भवती भी है। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके पति, सास, ननद आदि मिलकर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज और 3 लाख रुपए दहेज लाने को बोलते थे। वहीं नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी देते थे। बीते दिन उसके पति ने उसे व्हाट्सएप पर 3 तलाक लिखकर भेज दिया है, जिसके बाद वो न्याय के लिए कोर्ट और तोपचांची थाने में मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। जी, हमको लड़का बेसुध का है, मोहम्मद रमजान अंसारी, उसका लड़का सद्दाम अंसारी, वो हमको तलाक दे दिया है। हम गर्भवती है 6 महीने से। हमको बहुत टॉर्चर करता है उसके फैमिली वाले, मार पीट। जो मेरा बड़ा बेसुध है उसके पास रियल में मतलब बंदूक तलवार सब रखा हुआ, हमको डराता था। तलाक वो नाजायज संबंध रखता है, वो किसी और लड़की से मतलब अफेयर है उसका बहुत सारा। शादी से पहले ही उसका अफेयर था, जो कि हमारे माँ मतलब मम्मी पापा किसी को पता नहीं, गुमराह करके शादी किया। उसके घर वाले, उसके परिवार वाले वो समाज से भी अलग है। जब हम लोग विचार रखे तो वो विचार में भी नहीं आया। लास्ट में वो बोला कि जा, तुमको जो करना है, जो उखाड़ना है, अपना कोर्ट में फैसला होगा। बाकी हम लोग प्रशासन का सहारा लिए। तलाक कैसे दिया है? तलाक को व्हाट्सएप मैसेज द्वारा में दे दिया, 3 तलाक। पैसे से कभी डिमांड कर रहा था? जी, बोल रहा था दहेज जब तक नहीं लाओगे मेरा भैंसू, तब तक तुमको घर में नहीं रहने दूंगा। आपका नाम क्या है? मुख्तार अंसारी। कितना दहेज क्या मांग कर रहा था? 3 लाख का। बोल रहा था जी, वो बोल रहा था 3 लाख जब तक नहीं लाओगे तब तक तुमको अच्छे से जीने नहीं देंगे। पिस्तौल दिखाकर, तलवार दिखाकर हमको रोज मारता था, फिरता था। जो मेरी छोटी ननद थी वो हमको गाली गलौज भी किया है बहुत, और बहुत ही गंदा मतलब पूरा उस घर में हमको बहुत टॉर्चर करता था। शादी का लगभग हो गया है 9 अगस्त को शादी हुआ है। 9 अगस्त 2020। हाँ, 9 अगस्त 2020 को मेरी शादी हुआ है। 10 महीना बाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफसाना परवीन है। अभी क्या हुआ? अभी मेरे लड़की को मैंने व्हाट्सएप द्वारा तलाक दे दिया है। अच्छा, व्हाट्सएप के द्वारा दिया गया? क्यों दिया गया तलाक, उसमें क्या कोई कारण बताइए? कदर करता था हमारे लड़की को, जो पैसा और ना, पहले तो हम उसको गाड़ी दे देते थे, पैसा से नगर दे दिया, तो उनका गाड़ी भी दिया हूँ, पहले जो बहुत से वगैरह सामान दे दिया हूँ, फर्नीचर वगैरह का। और इतना देने के बाद जो है, इतना देने के बाद जो है, इसका बड़ा भैसू जो मुख्तार जो है, यानी रमजान मियाँ का जो संगी है वो रमजान मियाँ ना, तो दूसरे लड़का बड़ा लड़का जो है खूब कुछ करता था कि और 3 लाख रुपया ला के दो, और नहीं तो तुमको बहुत परेशान करेंगे, नौकरानी करा यहाँ घर में रखेंगे, नौकरानी डाल देंगे। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग थाने में केस किए? अभी हम थाना में जो साहब जमा है केस करने के लिए, पहले तो कोर्ट गया था, कोर्ट से वकील वगैरह से जो है बनवा कर, तो वहाँ भी केस किया। अब बोला कि आप थाना जाइए, थाना से जाकर के ये पेपर दे दीजिएगा, वहाँ से भी। शादी कब हुई थी? शादी हुआ था 9 अगस्त 2020। आपका नाम? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।